गुलबर्गा शहर में बहुजन समाज पार्टी की जानिब से ज्वाइनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कई नौजवान कांग्रेस बीजेपी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं। इस प्रोग्राम में महमूद शाह को सिटी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरनू सुगुर और सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह की सदारत में नौजवान बीएसपी पार्टी में शामिल हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरनू सुगुर, सिटी प्रेसिडेंट महमूद शाह, सिटी कोऑर्डिनेटर शेख मुनीर, नॉर्थ कोऑर्डिनेटर शरनू और दीगर कई पार्टी के जिम्मेदार इस प्रोग्राम में शामिल थे। तमाम लोगों ने कहा, बहुजन समाज पार्टी दलित, मुस्लिम और दीगर समाज के लोगों के हक की आवाज़ उठाती आई है। इस पार्टी से जुड़कर लोग आने वाले इलेक्शन में बीएसपी पार्टी को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। सुगुर सर, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष और सिटी कोऑर्डिनेटर और हमारे नॉर्थ प्रेसिडेंट, सब के सिटी प्रेसिडेंट के इसमें नेतृत्व में हमारे शब्बीर पलम्बर बोलने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हों और हमारे रशीद भाई, तकरीबन लोग बीएसपी पार्टी में जॉइनिंग के लिए आज जॉइनिंग हो गए और इंशाल्लाह बीएसपी पार्टी को जितना हो सके उतना हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सेकुलर पार्टी का देखिए आप, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ सेकुलर होने का दावा करती है और ये सेकुलर पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ शाम में बोलती है सेकुलर है, पर ये कोई मुस्लिम को आज तक कोई सही तरीके से लेके नहीं चली और आज तक डिस्ट्रिक्ट बॉडी में कोई मुस्लिम नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐसे कई मसले हैं। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी ने ये साबित किया है कि आज सेकुलर पार्टी है और सिटी प्रेसिडेंट को साथ में मुस्लिम को और दलित को कैसा कॉम्बिनेशन बताना है ये चीज़ बता रही है। इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल हैं वार्ड नंबर के हिसाब से, मैं तो सिटी प्रेसिडेंट बना हूँ, आपके जो भी वार्ड में प्रॉब्लम है हम एक नंबर इशू करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, सिटी प्रेसिडेंट का, कोऑर्डिनेटर का, वो नंबर के हिसाब से आपका काम करेंगे इंशाल्लाह जितना हो सके। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज कई लोग बहुजन समाज पार्टी में आज ज्वाइन हो गए सिटी अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में। इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक ही पार्टी है, ये दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज के लिए लड़ने वाला एक ही पार्टी है। इसलिए देश में क्या चल रहा है सब आपको मालूम है। ये चंद लोग हमको क्या पहनना, क्या खाना, क्या पढ़ना बोल के हमारे को बैठ के लोग आज डिसीजन कर रहे हैं। इसलिए देश के हम बहुजन समाज के लोग हैं, 85% रहने वाले हम बहुजन समाज वाले हैं। इसलिए आने वाले दिन में चाहे 2024 का एमएलए इलेक्शन हो, 2024 में एमपी इलेक्शन हो, पूरे बहुजन समाज के जो एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज के जितने भी है माइनॉरिटी लोग, बहुजन समाज को आप साथ देना और पूरे दम लगा के इस गुलबर्गा ज़िला में दो तो एमएलए मान को जिताने हैं और आने वाले तालुक पंचायत, जिला पंचायत हम पूरे 55 जिला पंचायत लड़ाएंगे और तालुक पंचायत भी लड़ाएंगे। इसके मामले में हम बहुत मीटिंग कर रहे हैं, बहुत कई लोग परसों नॉर्थ में लोग ज्वाइन हो गए पार्टी में और कई लोग दूसरे पार्टी छोड़ के बीएसपी में शामिल होने जाने हैं। इसके लिए हम बहुजन समाज को सब लोगों को खुली दिल से सबको हम इन्वाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। आने वाले इस ये मनवादी कौमवादी सरकार बीजेपी सरकार को हमको उखाड़ के फेंकने का है। सभी लोग मिलके हम यूथ पूरे लोग एक इकट्ठा होकर हम इसको आगे बढ़ाना है इस मोमेंट को। जैसे कि आप सब जानते हो कि इस देश की हालात जो एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो गौकशी का मसला हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ ख़त्म से माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी ये एस सी एस टी की पार्टी नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़े और मुसलमानों की पार्टी है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तादाद में जुड़ के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो के बहुजन समाज पार्टी का परचम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गुलबर्गे से हम बताएंगे। और मैं महमूद शाह जो सिटी प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, मैं उनको तहे दिल से पार्टी में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि महमूद शाह आने वाले दिनों में हम पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करके हर मुख्तलिफ वार्ड में उन्हों खुद जाके लोगों को ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह हम भी उनके साथ हैं और पूरा बहुजन समाज पार्टी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट महमूद शाह के साथ है। बहुजन समाज पार्टी में आज चंद कुछ लोग बहुजन तकरीबन 20 से 25 लोग बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हुए, उनको मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। मौजूद हालात में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, देश को कोई मंदिर के नाम पर लड़ा रही है और मस्जिद के नाम पर लड़ा रही है। ऐसे हालात में दलित मुस्लिम को कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसी बात को हम मद्देनज़र रखते हुए इस देश में एस सी एस टी हो या माइनॉरिटी हो या पिछड़ा हो, कोई भी हो, इन सब को लेकर चलने वाला एक बहुजन समाज पार्टी है। तो इसी मौके में आज हम एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखे थे, बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। सबको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूँ। आज हमारे सिटी प्रेसिडेंट भी बनाए हमारे महमूद शाह, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 55 वार्ड में बहुत अच्छी तरह से काम करना है बोलो करेंगे बोलकर हम इस उम्मीद के ऊपर धन्यवाद देता हूँ।